जी आज मैं आपको सिखा रही हूँ चीज केक, ब्लूबेरी चीज केक। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बताती हूँ मैं आपको। मेरे पास ओरियो जो है कुकीज हैं, पैकेट है, मैंने एक ले लिया है 176 ग्राम का है। 5 टेबल स्पून मेरे पास बटर है, और आप बटर अनसॉल्टेड लीजिएगा। और इसमें मैंने एक ये वाला पैन लिया है मोल्ट, ये है हमारे पास। अब इसमें आ जाते हैं, ब्लूबेरी है मेरे पास 400 ग्राम, लेमन का जूस है 2 टेबल स्पून ले लें, या एक छोटा लेमन जो होता है वो ले लें। तो ये जूस है, और जी 1 टेबल स्पून इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा। 1 कैन है जो कंडेंस मिल्क है, 395 था जो है कंडेंस मिल्क है, और 300 जो है हमारे पास चीज़ है, क्रीम, फ्रेश क्रीम है हमारे पास, मैंने ली है 250 मिलीलीटर है ये, और 10 ग्राम का जो है ये जेलेटिन पाउडर है, एक पैकेट है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का। तो ये बनाना शुरू करते हैं। जितने बिस्किट हैं इसका हम क्रम्स बना लेते हैं बिस्किट्स के, और इसके अंदर मैं ये मेरे पास जो बटर है 5 टेबल स्पून, ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्रम्स हमारे रेडी हो गए। अब मैं इसके लिए इसके ऊपर फॉइल लगा रही हूँ ताकि इजीली आराम से निकल जाएगा फॉइल। ये देखें जी, ऐसे इसके अंदर आ गया ये। अब हम इसको इसके ऊपर मैं ये लगाना शुरू कर देती हूँ, क्या नाम है इसका, क्रम्स का, और बटर ये सारा डाल के। जी मैंने सारा इसके ऊपर निकाल लिया। अब पहले इसको हल्के हाथ से सारे पे पोर कर लें, मतलब पूरी उस पे लगा लेते हैं। आप एक पानी का बॉल अपने पास रखिएगा जिससे उसको स्टिक करने पकड़ने के लिए, ऐसे हाथ तो वो कर दीजिएगा लेकिन चिपके नहीं हाथ में। इस तरीके से सारे पे लगा लेंगे। जो बटर है, बटर आपके हाथों के साथ चिपक के वापस आएगा, तो ज़रा सा हाथ को गीला करके फिर नीचे कुकीज़ पे लगाएं। इस तरीके से हम सारे पे लगा लेते हैं। ये देखें, बस हाथ को ज़रा सा ऐसे मैंने ग्रीस किया उससे, वाटर से इसी तरह सारे पे लग गया। ये देखें इस तरीके से हमने सारा इसको दबा दिया है। अब कुकीज़ आप जितने ज़्यादा, अगर इसके 2 पैकेट लेंगे तो इसकी डबल, मतलब रोटी जो ब्रेड जो इसकी बनेगी वो डबल बन जाएगी ना बिस्किट की, तो वो करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन ये भी ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको अच्छी तरीके से दबा दिया है, किसी भी वजनी चीज़ से इसको प्रेस कर दें। प्रेस हो गया, अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। जब हम अपने बाकी अमेजा का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम फ्रिज से निकालते हैं, जब तक इसको फ्रिज में रखते हैं। ये एक पैकेट जो जेलेटिन का है, ये आपने 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून पानी लेके गर्म, फिर हम हॉट वाटर है इसके अंदर डाल के हम रख देते हैं जब तक ये डिसॉल्व हो जाएगी हमारी जो जेलेटिन है ना।
इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जी, ये हो जाएगी जब तक मैं इसको रख देती हूँ, ताकि ये और डिजोल्व मतलब पिघल इसमें डिजोल्व हो जाएगी। आगे क्रीम लेते हैं, क्रीम डालते हैं इसमें। लेमन जूस है मेरे पास, ये डाल दिया, 2 टेबल स्पून लेमन जूस चला गया। उसे व्हिप करते हैं। बीट हो गई है क्रीम, थिक हो गई है। अभी इस तरह हमें इसको थिक उसमें लाना है। ये देखें हो गई है, ये देखें, मतलब मैं उल्टा कर रही हूँ तो ये जाम हो गई है। अब जो है हम इसको चीज़ को करते हैं इसी तरह, इसको फ्रिज में रख देती हूँ जब तक, और चीज़ को करते हैं। 300 ग्राम है चीज़, इसी तरह हम चीज़ को भी मिक्स कर लेते हैं। देखें ये चीज़ भी हमारी, मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, 3-4 मिनट में ये भी बीट हो जाएगी। बीट करने के बाद मेरे पास वनीला एसेंस है, 1 टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस चला जाएगा। अब इसके अंदर ही भर के डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून हो गया वनीला एसेंस। कंडेंस मिल्क चला गया इसमें, एक पूरा 395 ग्राम। अब इसको मिक्स करते हैं। कंडेंस मिल्क भी डाल दिया मैंने, वनीला एसेंस भी डाल दिया, और चीज़ है, तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखें जी इतना हो गया है कि इसमें आप कोई लम्स नहीं है, आपको कोई लम्स नज़र नहीं आए कि जैसे चीज़ है, चीज़ ज़ाहिर है वो कि गुठलियाँ, चीज़ की गुठलियाँ ना हो बीच में ना। तो अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेते हैं। देखें इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसको और क्रीम को मिक्स करते हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जेलेटिन है मेरे पास, एक पैकेट जो मैंने 10 ग्राम जेलेटिन थी वो इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसे फिर मिक्स करते हैं तीनों चारों चीज़ों को। देखें सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं सही तरीके से। मिक्स होने के बाद आप देख लेंगे बीच में लम्स तो नहीं है। अब इसको मैं अपने केक के, जो हमने बिस्किट का केक बनाया है उसके ऊपर डालते हैं। अब ये देखें मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, ये जम गया है। अब इसके ऊपर मैं ये सारा पोर कर देती हूँ। जेलेटिन है इसमें तो वो जम जाएगी, मगर इसे 4 से 5 घंटे फ्रिज में रहने दीजिएगा। 4-5 घंटे बाद उसको सेटिंग सेट हो जाएगी। अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। अभी ये जब जम जाएगी, अभी मैं बस इसको फ्रिज में ऐसे ही रख रही हूँ। जब जम जाएगा तो मैं आपको 4 से 5 घंटे बाद जब ये जम जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर हम इसके ऊपर ये ब्लूबेरी डालेंगे जो 400 ग्राम है, इसके ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे। बाकी ये रेडी है, बस अभी मैं इसे 4 घंटे बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ कूल डाउन करने के लिए। निकाल लिया है चीज़ केक, देखिए ये जम गया अच्छी तरीके से। 4 घंटे बाद मैंने निकाला है इसको। अब मैं इसके ऊपर ये जो हमारे ब्लूबेरी का वो है सारा इस पर डाल रही हूँ, ब्लूबेरी। ये 400 ग्राम है,
ये आपकी मर्जी है, 400-500 ग्राम जितनी भी ज़्यादा डाल सकते हैं, वो रिच करेगी उसको। और इसको सारे पे इस तरीके से लगा लेते हैं। और ये ठंडा करने के बाद ही लगाइएगा, क्योंकि उससे पहले तो ये नरम हुई हुई होती है सारी क्रीम चीज़ वगैरह सब, तो जब ये सही तरीके से ठंडी जम जाए तो उसके बाद ही ऊपर जो भी आप डालें उसके बाद ही डालें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, कैसी लगी। इसी तरह ये देखें कर लिया, अब इसका लॉक खोलते हैं। ये देखिए सारी मैंने इसके ऊपर पोर कर ली है। अब मैं इसको छुरी से साइडों से चीज़ को इससे वो कर रही हूँ, इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि वो इससे मोड़ से अलग हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद ये जो मेरा लॉक है यहाँ से ये खोलते हैं। से आप इसको इसके ऊपर कोट कर दें। ये जी देखें मैंने ट्रे में लगा लिया इसे प्लेट में, तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने काट लिया है और ये मैं आपको प्लेट में रख के दिखा रही हूँ। इस तरह का होगा। अब आप देखें इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको चीज़ केक कैसा लगा। बस एक दो दफ़ा बनाएंगी तो फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। और दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।